Hello everyone, I am Almas Beg before you, and in today's class I am going to teach you 12th class general English lesson 9. आज की कक्षा में मैं आपको कक्षा 12 के जनरल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का लेसन 9 पढ़ाऊंगी और लेसन 9 का नाम है आई एम जोज ब्रेन. आई एम जोज ब्रेन का क्या मतलब है? मैं जो का मस्तिष्क हूँ. और यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मस्तिष्क की संरचना चित्र के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है. आप देख सकते हैं किस प्रकार ये आपस में उलझी हुई गुत्थियों के समान संरचना मस्तिष्क की आपको दिखाई दे रही है. इस लेसन के राइटर हैं J.D. रेडक्लिफ. इस लेसन में हम मस्तिष्क के क्या कार्य हैं, इसकी संरचना कैसी है, यह किन किन चीजों से मिलकर बना है, आपातकालीन स्थिति में इसके क्या कार्य हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे. जो है वो एक काल्पनिक नेम है जो कि ब्रेन की मस्तिष्क की संरचना को बताने के लिए लिया गया है. आइए आगे बढ़ते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं? Which is the most important part of the body? शरीर का सबसे मुख्य, सबसे important भाग कौन सा है? And why? और क्यों? इस प्रश्न का, ये दो प्रश्न आपको दिए गए हैं. इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए हम इस लेसन को स्टडी करेंगे. क्योंकि लेसन बहुत लेंदी है, बहुत लंबा है, तो इसको हम पॉइंट्स के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से स्टडी करेंगे. मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करे हैं जिनको हम स्टडी करके मस्तिष्क की संरचना और उसके कार्यों का अच्छी तरह उसकी जानकारी उठाएंगे. लेट्स लर्न इट टुगेदर. आइए इसको मिलकर हम साथ सीखते हैं. हु इज जो? फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कि जो कौन है इस लेसन में. जो इज अ सिंबॉलिकली यूज्ड नेम हियर फॉर एवरी लिविंग बीइंग. जो शब्द जो है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए यहां पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक सिंबॉलिक नेम है. यानी हर व्यक्ति के पास एक मस्तिष्क होता है और उस मस्तिष्क के की व्याख्या करने के लिए, उसको, उसका वर्णन, उसकी संरचना बताने के लिए कोई एक काल्पनिक नेम चुना गया है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? जो नाम दिया है. आगे देखते हैं. यहाँ हम कुछ वर्ड्स जो कि चैप्टर में आए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में आए हैं, उनको प्रोनंसिएट करना और उनके मीनिंग सीखेंगे. Terms used in the chapter. These terms are used in the chapter. The first word is cerebrum. Cerebrum क्या है? The largest part of the brain. Cerebrum जो brain का, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा वाला भाग है, उसे cerebrum कहते हैं. Next word is right cerebral hemisphere. Right cerebral hemisphere क्या है? Right lobe of cerebrum. मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा आपको चित्र में और अच्छे से समझाया जाएगा. लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट लोब ऑफ सेरेब्रम, मस्तिष्क का बायां हिस्सा. ये तो आपको पता है कि मस्तिष्क जो है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, राइट और लेफ्ट. तो जो राइट लोब है उसे राइट सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं, और जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट लोब ऑफ द सेरेब्रम है, उसे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर सेपरेट्स टू हेमिस्फेयर्स. अब ये जो दो हेमिस्फेयर्स हमने पढ़े, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर, इन दोनों को दो भागों में बांटने वाला ये जो है लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर है, ये मस्तिष्क को दो अर्ध गोलों में अलग अलग विभाजित करता है. चित्र के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा. अगली स्लाइड्स में हम आपको नामांकित चित्र भी दिखाएंगे. नाउ कॉप्स क्लोजम. देखिए कोलोजम, कॉप्स कोलोजम, ये क्या होता है? ये होता है प्लेस वेयर द टू हेमिस्फेयर्स आर ज्वाइंड. दो हेमिस्फेयर हैं, दो अर्ध गोले हैं, जिस पॉइंट पे वो जुड़ रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कॉप्स कोलोजम. कॉप्स कोलोजम यह है वह स्थान जहां दोनों गोलार्ध मिल जाते हैं. नाउ
सेरिब्लम, व्हाट इज सेरिब्लम? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. अभी हमने इसके पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था, ये देखिए द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज सेरिब्रम, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. और लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा वाला भाग. और यहां हम पढ़ रहे हैं सेरिब्रल, सेरिब्लम के बारे में, दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये दूसरे नंबर पर आता है, ये मस्तिष्क का वह भाग जो दूसरे स्थान पर आता है. नाउ स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? ये होता है मेरुदंड, ये हमारी जो गर्दन जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है उस पार्ट को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. दैट इज लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क का निचला भाग. नाउ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या है? सेल्स ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड न्यूरॉन्स. मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं. यहां आपके सामने यू कैन सी द लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, मानवीय मस्तिष्क का नामांकित चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. बच्चों आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की संरचना का वर्णन कीजिए. उसमें आपको यह चित्र अवश्य ही बनाना है, क्योंकि मस्तिष्क की संरचना का वर्णन बिना चित्र के कर पाना अस्पष्ट कहलाएगा. तो when you will write the answer of the question, you will have to draw the picture with label, with labeling. Now see, you can see, ये जो है मस्तिष्क बीच में से आपको आधा काट कर दिखाई दे रहा है. यहाँ पर उनके नाम नाम लिखे गए हैं, देखिए cerebrum, this part is called cerebrum, this is corpus callosum, this is ventricles, ये देखिए ये ventricles हैं दो ऊपर और नीचे, और ये thalamus है बीच वाला भाग बड़ा, this is midbrain, ये देखिए this part is called midbrain, this is cerebellum, ये second largest part है, और ये first largest part है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जिसे हम cerebrum कहते हैं. और ये दूसरे नंबर पे जिस भाग का जो भाग आता है that is called cerebellum. और ये देखिए ये जो stem है that is called brain stem, इसी को यही जो है ये spinal cord से जुड़ी रहती है. Now these are pons. Now this is hypothalamus. You can see this part is called hypothalamus and this is pituitary gland. तो आप सभी बच्चों को नोटबुक में ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का लेबल्ड डायग्राम बिल्कुल इसी तरह से बनाना है. एंड यू कैन ऑल्सो चूज वैक्स कलर्स टू शो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. मस्तिष्क के अलग अलग भागों को आप वैक्स कलर से रंग करके भी दर्शा सकते हैं. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है अब हम उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यह पार्ट ब्रेन की संरचना के बारे में ही है. सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे ब्रेन का जो शेप है वो कैसा होता है. तो बच्चों ब्रेन का जो शेप है दैट इज मशरूम शेप्ड. हमारा मस्तिष्क मशरूम के शेप का होता है. आप सभी ने मशरूम को कक्षा 6 से लेके 10 तक आपने देखा है और बनाया भी है उसका चित्र. छतरी नुमा होता है ऊपर से, और बीच में उसके एक कॉर्ड रहती है, कॉर्ड यानी एक स्टेम रहती है. तो ब्रेन का जो शेप है वो भी मशरूम जैसा होता है, मशरूम के आकार का. अब इसके वेट के बारे में जान लें कि इसका वेट कितना होता है. 1.5 किलोग्राम, लगभग 1.5 किलोग्राम इसका वजन या भार होता है. नाउ वॉट इट इज मेड अप ऑफ, यह किन चीजों से मिलकर बना होता है हमें पता होना चाहिए कि मस्तिष्क का शेप मशरूम लाइक है. इट हैज 1.5 किलोग्राम ऑफ वेट एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्रे एंड व्हाइट जिलेटिनियस टिश्यूज. यह ग्रे और व्हाइट कलर की जिलेटिनियस टिश्यू से मिलकर बना होता है. टिश्यूज का मतलब है कोशिकाएं. नाउ वॉट डज इट कंसिस्ट, इसमें क्या सम्मिलित है, क्या चीज इसके अंदर होती है. सम 30 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 5 to 10 टाइम्स दैट नंबर ऑफ ग्लियल सेल्स. करीब 30 खरब न्यूरॉन्स और उससे 5 गुना से 10 गुना ज्यादा ग्लियल कोशिकाओं से मिलकर मस्तिष्क की संरचना, मस्तिष्क जो है वो बना है. नाउ इट इज कवर्ड विथ, व्हाट इट इज कवर्ड विथ, यह किस चीज से कवर है. 7 लेयर्स विच आर 1/2 सेंटीमीटर थिक इन ऑल.
आर ब्रेन इज कवर्ड विथ 7 लेयर्स, हमारा जो मस्तिष्क है वो 7 लेयर्स यानी 7 परतों से कवर है, विच आर हाफ सेंटीमीटर थिक, लगभग ये 7 परतें मिलकर आधा सेंटीमीटर मोटाई रखती हैं। तो आपने देखा व्हाट इज द शेप, इट इज मशरूम लाइक, व्हाट हाउ मच इट वे, इट्स वेट इज 1.5 किलोग्राम। Now, what does it made up of? It is made up of grey and white gelatinous tissues. Now, what does it consist of? It consists of 30 billion neurons and 5 to 10 times that number of glial cells. And how it is covered with what? It is covered with 7 layers which are half centimeter thick in all. Yeh 7 parton se dhaka rehta hai, jo ki lagbhag aadha centimeter motai usme shamil hai. आगे देखते हैं। नाउ यू कैन सी ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस, यहां आपको दो रंगों से लेफ्ट और राइट मस्तिष्क के जो भाग हैं उनको बताया गया है। नाउ यू कैन सी लेफ्ट ब्रेन फंक्शंस एंड राइट ब्रेन फंक्शंस, कि जो लेफ्ट पार्ट वाला ब्रेन है उसके क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या कार्य हैं। लेफ्ट ब्रेन फंक्शंस आर एनालिटिक थॉट, इसमें हम एनालिटिक थॉट, लॉजिक्स, लैंग्वेज, रीजनिंग यानी भाषा ज्ञान, रीजनिंग यानी किसी चीज का कारण पता लगाना, साइंस एंड मैथ्स, गणित और विज्ञान, रिटन वर्क, लिखने वाला सारा काम, नंबर स्किल्स यानी संख्याओं से संबंधित जितना भी ज्ञान है वो, एंड राइट हैंड कंट्रोल, जो हमारा सीधे हाथ का जो नियंत्रण है, ये सभी कार्य एक एक करके लेफ्ट ब्रेन फंक्शंस के अंतर्गत आता है। नाउ द राइट ब्रेन फंक्शंस, आर्ट अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, इंसाइट, होलिस्टिक थॉट, म्यूजिक अवेयरनेस, 3D फॉर्म्स एंड लेफ्ट हैंड कंट्रोल, ये सारे कार्य जो हैं वो राइट ब्रेन फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आपने देखा कि ये ब्रेन जो है ये हेमिस्फेयर की तरह इसकी संरचना है, ये बीच से जो है ये जुड़ा हुआ रहता है, जो कि अभी आपको पिछले चित्र में अच्छे से बताया गया था। यू कैन सी यहां पर आधा भाग आपको बीच से काट कर दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ देयर आर सम मेन पॉइंट्स, मैंने आपको बताया था कि लेसन इज वेरी लेंथी, तो हमने उसको नोट्स बनाकर स्टडी करेंगे। यहां पर मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सबसे पहले तो ये जान ले कि जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मुख्य भाग है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी पूरी दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे खास चीज हमारा मस्तिष्क ही है। इट हैज एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस, इसके जो फंक्शंस हैं, जो कार्य है वो एक्सट्रीमली लार्ज हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत व्यापक कार्य यह करता है। अ ब्रेन इज मैन इट्सेल्फ, और ब्रेन जो है वो कोई एक भाग नहीं है, इट इज मैन इट्सेल्फ, वो पूरा मनुष्य ही है। नाउ द ब्रेन सेलेक्ट्स ओनली द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, अब जो घटनाएं, घटनाक्रम हमारे आसपास होते हैं, हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो उसमें से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को पिक कर लेता है, चुन लेता है। देन इट वार्न्स अगेंस्ट ऑल डेंजर्स एंड इमरजेंसीज एंड सेंड्स इमीडिएट सिग्नल्स। व्हाट डज इट डू, और क्या करता है, इट वार्न्स अगेंस्ट द डेंजर्स एंड इमरजेंसीज। यदि हम किसी डेंजर, खतरे या इमरजेंसी में है, आपातकाल की स्थिति में है, तो यह हमारे शरीर को वार्न कर देता है, उसको चेता देता है, इमीडिएट सिग्नल्स पहुंचाता है, तुरंत मस्तिष्क जो है उस शरीर के भाग तक जिस पर डेंजर या खतरा है उस पर यह सिग्नल पहुंचाता है। इट डिपेंड्स ऑन अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ब्लड, और जो ब्रेन है हमारा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन समथिंग, किसी चीज पर यह कार्य करता है। क्या चीज इसे चाहिए होती है, इट नीड्स ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीजन गैस, ग्लूकोज और ब्लड की आवश्यकता होती है। इफ द सप्लाई स्टॉप्स, यदि इन तीनों की सप्लाई रुक जाए, तो ब्रेन ऑल्सो स्टॉप्स वर्किंग, मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है। इफ द सप्लाई इज कट ऑफ, द रिजल्ट इज पैरालिसिस और डेथ। अब ये जो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ब्लड है, इनमें से किसी की भी सप्लाई यदि ब्रेन तक पहुंचने से रुक जाती है, तो ह्यूमन बॉडी पैरालिसिस का अटैक उस पर आ जाता है, यहां तक कि उसकी डेथ, उस मनुष्य की डेथ भी हो सकती है।
तो ब्रेन का सही तरह से फंक्शन करना किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोस एंड ब्लड। ये बात ध्यान रखिए कि ये इनके सप्लाई, इस इन तीनों की सप्लाई के बिना काम नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो ऑल पेन इज फेल्ट इन इट, द ब्रेन हैज नो पेन सेंसेशन एट ऑल। जबकि सभी चीजों का, यानी फिंगर में दर्द है तो ब्रेन में फील होगा, अगर बॉडी के किसी और पार्ट में हमको पेन फील हो रहा है तो हमारा ब्रेन उसे महसूस करता है। बट द ब्रेन हैज नो पेन सेंसेशन एट ऑल, लेकिन ब्रेन में पेन का सेंसेशन नहीं पाया जाता। इट इज लाइक अ स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, और ब्रेन जो है वो मेमोरीज का, पुरानी बातों का स्टोर हाउस है, उसमें बहुत सारी मेमोरी के अंदर पुरानी बातें स्टोर होती हैं। इट हैज डिफरेंट एरियाज फॉर फंक्शंस लाइक विजन, हियरिंग एंड प्लेजर एटसेट्रा। यानी मस्तिष्क जो है डिफरेंट एरियाज, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में ये काम करता है, जैसे कि विजन यानी देखने का काम, हियरिंग यानी सुनने का काम, और प्लेजर यानी आनंद लेने का काम। नाउ इलेक्ट्रिक शॉक्स वर्क वंडरफुली इन द ब्रेन। ब्रेन में इलेक्ट्रिक शॉक्स जो है वो वंडरफुली, आश्चर्यजनक रूप से कार्य करते हैं। इट रिसाइड्स इन अ वॉल, ये जो है कहाँ रहता है, कहाँ निवास करता है, एक दीवार खिंची हुई है, प्रोटेक्टेड फोर्ट्रेस ऑफ द स्कल। और वो दीवार किस चीज की है, यानी ब्रेन कहाँ निवास करता है? इट इज प्रोटेक्टेड फोर्ट्रेस ऑफ द स्कल। स्कल कहते हैं खोपड़ी को, आउटर लेयर जिसमें ये अंदर निवास करता है, इसमें ये सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टेड है यानी बचा हुआ है। किले नुमा, नाउ बाड इन अ फ्लूइड टू एब्जॉर्ब शॉक्स, और जो अंदर इसके जिलेटिनस कंसिस्टेंसी का जो जेल रहता है इसमें ये बात करता है। अ ब्लड ब्रेन बैरियर सर्विंग एज ए गेट कीपर, और जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो इस तरह कार्य करती है जैसे कि मानो ब्रेन का गेट कीपर हो, ब्रेन के लिए वो गार्ड का काम करती हैं। नाउ इट लाइक एन, इट इज लाइक एन इंटरट्विनिंग ऑफ रूट्स। ये जो है कैसा होता है, इंटरट्विनिंग मतलब आपस में गुथी हुई रूट्स, हैविंग 30 बिलियन न्यूरॉन्स, लगभग 30 बिलियन न्यूरॉन्स की जो जो संरचना है आपस में कैसी है, एक दूसरे में गुथी हुई है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। नाउ लॉस्ट सेल्स कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड, यहां बताया गया है कि ब्रेन में जो सेल्स लॉस्ट हो जाते हैं, जो जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, दोबारा नहीं रिपेयर हो सकते। बाय द एज ऑफ 35, और लगभग 35 वर्ष की उम्र तक, अ मैन लूजेस 1000 नर्व सेल्स अ डे। यानी 35 वर्ष की आयु होने के बाद एक मनुष्य 1000 नर्व सेल्स रोजाना लूज करता है, उनकी हानि होती है, क्षति होती है। अ लार्ज लूज लॉस मे ब्रिंग डिफिशियंसीज इन सेंसेस, और अगर कभी किसी दुर्घटना के कारण ज्यादा संख्या में ये नर्व सेल्स लूज हो जाते हैं तो इससे सेंसेस में डिफिशियंसी यानी कमी आ जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ब्रेन, इट इज कंपनसेटिंग सिस्टम और एडेप्टेबिलिटी। बता रहे हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ब्रेन इज, दिस इज जो ब्रेन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे मुख्य जो फीचर है वो क्या है, कंपनसेटिंग सिस्टम ऑफ एडेप्टेबिलिटी, यानी अडॉप्ट कर लेता है हर परिस्थिति को, ये अडॉप्ट कर लेता है। नाउ इट्स थ्री एनिमीज आर ट्यूमर, स्ट्रोक एंड ब्रेन इंजरी। लेसन में बताया गया है कि ब्रेन के एनिमीज भी हैं, दुश्मन भी हैं, और वे कौन है, ट्यूमर यानी किसी प्रकार की गांठ का बन जाना, स्ट्रोक यानी अटैक आ जाना, एंड ब्रेन इंजरी और मस्तिष्क में कोई चोट लग जाना। ये तीनों ही ब्रेन के एनिमीज हैं, ब्रेन के दुश्मन हैं। इनके कारण ब्रेन जो है वो वर्क करना बंद कर देता है, पैरालिटिक अटैक आ जाता है और सडन डेथ भी हो सकती है। बट द कमबैक पावर एंड द पोटेंशियल ऑफ द ब्रेन आर माइटी एंड वेरी लार्ज, नो कंप्यूटर कैन कॉम्पीट इट। यहां बताया गया है कि ब्रेन जो है
उसको कोई कंप्यूटर, आपने देखा कि कंप्यूटर कितना फास्ट वर्क करता है, उसकी मेमोरी कितनी वास्ट होती है, कितनी ज़्यादा फाइल्स उसमें स्टोर करके रखी जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर जैसी चीज़ भी ब्रेन को हमारे कॉम्पीट नहीं कर सकती, उसे हरा नहीं सकती। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेन, ब्रेन की क्या इम्पोर्टेंस है। द राइटर हैज राइटली इलस्ट्रेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेन बाय नरेटिंग द स्टोरी इन रेफरेंस टू जो दैट हाउ द ब्रेन इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ आवर बॉडी बट इट्स ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर आर यानी जोज हु इज आर जोज पर्सनैलिटी रिएक्शंस मेंटल कैपेसिटी एटसेट्रा। ब्रेन जो है, राइटर ने यहाँ बताया है कि ब्रेन स्टोरी को नरेट करने के लिए जो नामक काल्पनिक नाम लिया गया है और बताया गया है कि ब्रेन इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ द बॉडी, केवल ये एक भाग ही नहीं है, बट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर आर पर्सनैलिटी, ये हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे रिएक्शंस, हमारी प्रतिक्रियाओं के लिए और हमारी मेंटल कैपेसिटी, हमारी मानसिक क्षमताओं के लिए रेस्पॉन्सिबल भी है, जिम्मेदार भी है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेन, ब्रेन की इम्पॉर्टेंस यहाँ पे मैंने आपको पहले ही इन पॉइंट्स पे फोकस कर दिया है। व्हाट डज द ब्रेन नीड, अब यहाँ बताया गया है कि ब्रेन को किन चीजों की आवश्यकता होती है। द ब्रेन दो बीइंग द 2% ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स 20% ऑफ द ऑक्सीजन इनहेल्ड, जबकि ये बीइंग द 2% ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एक ब्रेन जो है वो ह्यूमन बॉडी का केवल 2% भाग ही है, इट रिक्वायर्स 20% ऑफ द ऑक्सीजन इनहेल्ड, मगर ये हमारी जो इनहेल करी हुई ऑक्सीजन है जिसे हम श्वास के माध्यम से बॉडी में खींचते हैं, इसका 20% इसको चाहिए ही होता है। अ फिफ्थ पार्ट ऑफ द ब्लड दैट ह्यूमन हार्ट पंप्स, और जो ह्यूमन हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है उसका फिफ्थ पार्ट इसको चाहिए है। The brain is thus dependent on the constant supply of oxygen and blood. If not, the human body can stop functioning, leading to paralysis or, in fact, death too. यहाँ आपको बताया गया है कि ब्रेन को ऑक्सीजन, ब्लड, ये चीजें जो है इनकी सप्लाई, कॉन्स्टेंट सप्लाई चाहिए, यदि लगातार यदि इनकी सप्लाई में थोड़ी सी भी रुकावट या बाधा आती है तो जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो स्टॉप हो जाते हैं, पैरालिटिक अटैक आ सकता है और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। द ब्रेन ऑल्सो नीड्स स्टेडी सप्लाई ऑफ, ब्रेन को स्टेडी सप्लाई भी चाहिए किसकी, ऑक्सीजन की। नाउ व्हाट इज अ प्लेजर सेंटर, यहाँ लेसन में आपको प्लेजर सेंटर के बारे में बताया गया है कि प्लेजर का मतलब होता है आनंद। इट इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हेल्प्स अस टू सेंस हैप्पीनेस, यह ब्रेन का वह भाग है जिससे हम हैप्पीनेस यानी आनंद का अनुभव लेते हैं, अनुभव करते हैं। एंड फील जॉयफुल अबाउट समथिंग, फॉर इंस्टेंस वी एंजॉय द टेस्ट ऑफ ए चॉकलेट, एनी मूवी, सॉन्ग, गेम्स एटसेट्रा। जब हम आनंदित हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं प्लेजर सेंटर, और ये भी ब्रेन में पाया जाता है। Joyful about something, for instance, मान लीजिए कि हमने चॉकलेट खाई है तो उसका टेस्ट, या कोई मूवी देखी है तो उसको देखकर हमारे मन में जो आनंद और जो जॉय उत्पन्न हो रहा है, या कोई सॉन्ग सुनकर हमें मजा आ रहा है, या किसी गेम को देखकर हमारे अंदर जो भाव डेवलप हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेजर सेंटर। वहाँ उस प्लेजर सेंटर के थ्रू हम वो चीज़ें फील करते हैं, महसूस करते हैं। Now functions of the brain, brain works even during sleep more than all the network in the world. Sleep के दौरान भी यह काम करता है, यानी जब हमारा शरीर सो रहा होता है तो ब्रेन जो है वो जागा रहता है और वो काम कर रहा होता है। ब्रेन गिव्स द मैसेज ऑफ डेंजर एंड कीप्स द सिचुएशन सेफ इन माइंड टू रिमेन अवेयर ऑफ। ब्रेन जो है वो खतरे की जानकारी भी हमारे शरीर को देता है और हमें अवेयर करता है कि हम उस खतरे से अपने आप को बचा सकें। ऑल द बॉडी पार्ट्स आर द मैसेंजर्स ऑफ ब्रेन, और जो पूरे शरीर में जो अंग हैं वो सब मैसेंजर्स हैं, वो सब क्या हैं, ब्रेन के मैसेंजर्स हैं। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम एंड गिव्स देम कमांड, और ब्रेन जो है हमारे शरीर के दूसरे अंगों से जानकारी को रिसीव करता है, प्राप्त करता है और उन सभी अंगों को आगे कार्य करने की कमांड देता है, उनको आदेश देता है। नाउ देयर आर क्वेश्चन आंसर्स बिफोर यू, बच्चों अब आपके सामने पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर है, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज जो इन द चैप्टर, इस चैप्टर में जो कौन है। जो इज यूज्ड सिंबॉलिकली फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स, सभी जीवित मनुष्यों के लिए
ये काल्पनिक नेम है जिसे यूज किया गया है. व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर? ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? इट वर्क्स लाइक ए फिल्टर फॉर ब्रेन विच अलाउज ओनली सेलेक्टिव पार्टिकल्स टू कम इनटू द ब्रेन. ब्लड ब्रेन बैरियर वर्क्स लाइक ए फिल्टर. फिल्टर की तरह ये काम करता है ब्रेन के लिए. इट अलाउज ओनली द सेलेक्टिव पार्टिकल्स, और ये ब्रेन मस्तिष्क तक केवल चुनिंदा चीजों को ही पहुंचाता है. What is the most important part of the body? Body का सबसे important part कौन सा है? That is the brain. Brain is the most important part of the body. And what is the name of the cell of the brain? Brain के cell का क्या नाम है? Brain के cell का नाम है neuron. Neuron कहते हैं हम brain के cells को. Which is the largest part of the brain? और brain का largest part क्या है? मैंने आपको चित्र में भी बताया था. Cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain. Now, What will happen if the brain does not get the oxygen and blood it requires? क्या होगा यदि मस्तिष्क को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलेगा? If there is a temporary shortage of blood or oxygen, जो फैंट्स, तो जो यानी कि काल्पनिक नाम है मस्तिष्क के लिए, वो फैंट हो जाएगा. If the supply breaks for few minutes, और यदि यह सप्लाई कुछ मिनटों के लिए रुक जाती है, the brain may suffer grave damage in the form of paralysis or death. मस्तिष्क को भारी मात्रा में डैमेज यानी नुकसान उठाना पड़ेगा. हो सकता है पैरालिटिक अटैक आ जाए या डेथ भी हो जाए. नाउ व्हाट डज द ब्रेन डू व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल राइजेस इन द ब्लड? ब्रेन क्या करता है जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है? इफ द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल राइजेस इन द ब्लड, द ब्रेन मे सफर ग्रेव डैमेज इन द फॉर्म ऑफ पैरालिसिस और डेथ. कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में बढ़ने पर भी वही घटना होती है कि जो शरीर है उसमें पैरालिटिक अटैक या मृत्यु भी हो सकती है. नाउ व्हाट डज द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह बच्चे याद करके लिखेंगे. व्हाट डज द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ? मस्तिष्क में क्या क्या शामिल है? द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 30 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 5 to 10 टाइम्स द नंबर ऑफ ग्लियल सेल्स. How does the brain react in emergency situations? Emergency की परिस्थितियों में यानी आपातकालीन परिस्थितियों में ब्रेन कैसे काम करता है? The brain reacts in different manners in the emergency situations. If Joe slips on the ice, the brain immediately directs him to regain his balance and signals his arms to break the fall. If Joe hits the ground, the brain lets Joe know if he is hurt. अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर्स में आता है, 4 अंकों में पूछा जाता है. इसको आप चित्र सहित बताएंगे, नामांकित चित्र सहित इसको आपकी नोटबुक में लिख के व्हाट्सएप ग्रुप्स में चेक कराएंगे. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. मानवीय मस्तिष्क की संरचना का वर्णन कीजिए. द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट. इट कंटेन्स अबाउट 30 बिलियन नर्व सेल्स विच आर कॉल्ड न्यूरॉन्स. These are the longest cells in the body and have long grass-like roots which are joined to the different parts of the body. These cells carry the message to and from the body. तो बच्चों, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आपकी नोटबुक में लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके क्लास टीचर से चेक कराना है और उसके बाद इनको याद करना प्रारंभ करना है, जिससे आप अपनी फाइनल परीक्षा की तैयारी को अभी से प्रारंभ कर सकें. आज की क्लास में हम विराम लेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे. जब तक के लिए गुड बाय.